नमस्कार, डिलीशियस फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कलरफुल टूटी फ्रूटी, जिसको बनाना एकदम आसान और जल्दी से हमारी टूटी फ्रूटी बनके तैयार हो जाती हैं और एकदम आसानी से बनके तैयार हो जाती है। इसको हम आइसक्रीम में, केक में, हम मन चाहे चीज़ में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए लेंगे, यहाँ पर मैंने आधा के जी पपीता लिया है, कच्चा पपीता लेंगे हम इसको। यहाँ पे पक्का पपीता नहीं लेंगे, पक्के पपीते से हमारी टूटी फ्रूटी अच्छी नहीं बनेगी। और आधा के जी चीनी लेंगे और मैं चार कलर ले रही हूँ यहाँ पर, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर लेंगे हम। अब हम पहले सबसे पहले पपीते को छील के काट के देखते हैं हमारा पपीता कच्चा है अंदर से या नहीं। हमने एकदम कच्चा पपीता लेना, जो अंदर से एकदम वाइट पपीता निकले हमने उस तरह का पपीता लेना। अगर हल्का फुल्का भी अंदर से येलो होगा तो हम उस पपीते को यूज़ नहीं करेंगे। उस पपीते से अगर हम बनाएंगे अपनी टूटी फ्रूटी, हमारी जल्दी ख़राब हो जाती है, उसको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। और कति एकदम कच्चे पपीते की टूटी फ्रूटी हम 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखो कितना बढ़िया कच्चा पपीता है, हमने इसी तरह का कच्चा पपीता लेके अपनी टूटी फ्रूटी बना के तैयार कर लेनी है। तो हम सबसे पहले अपने पपीते को ऊपर का ग्रीन छिलका है इसको उतार के अलग करेंगे, फिर इसको हम बारीक पीस में कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने पपीते को बारीक पीस में कट कर लिया, देखो हमने सारे पीस एक बराबर कट किए हैं। आप भी इसी को इसी तरह से कट करके तैयार कर लेना। यहाँ पर मैंने पतीले में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था, यहाँ पर मेरा पानी अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर एक नींबू का रस। नींबू का रस हम इसलिए डालते हैं ताकि हम जब पपीते को पकाएं तो हमारा पपीता ज़्यादा न पके, हल्का हो, उस पपीते में कच्चापन भी रहे और आपस में चिपकेगा भी नहीं। अगर इसमें पहले हम हल्का सा नींबू डाल देते हैं तो हमारा पपीता आपस में चिपकता भी नहीं है और ज़्यादा पकेगा भी नहीं। तो नींबू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नींबू इसमें, इसको बिल्कुल भी हम नींबू को स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने सारी टूटी फ्रूटी पपीता अपना कट करके इसमें डाल दिया हमने। अब इसको हम यहाँ पर एक बार मिक्स कर देंगे इसको। अब हम 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देंगे। यहाँ पर देखो इसका हमारा हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया। इसको हम एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको हम ढक के 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। इसको हम बीच बीच में हल्का हल्का चलाते रहेंगे, 2, 4, 5, 7 मिनट में, जब भी आपको टाइम मिले इस बीच में आप इसको चलाते रहें। यहाँ पर हमारा पपीता अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, देखो कितना अच्छी तरह से हमारा पपीता बॉयल आ गया और कितना बढ़िया खिला खिला हमारा पपीता बना है। तो हमने इसी तरह से अपने पपीते को पका के तैयार कर लेना है। अब हम अपने पपीते को चेक करते हैं एक बार, इसको हम चलाएंगे और इसको हम थोड़ा हल लेके पपीता अपने को कट करके हम चक्कू से देखेंगे। अगर चक्कू से आसानी से कट जाता है तो हमारा पपीता एकदम पक के तैयार हो जाता है। देखो कितनी अच्छी तरह से हमारा, कितनी आसानी से हमारा पपीता कट रहा है। तो हमें इसी तरह से अपने को कट करके देख लेना है। यहाँ पर हमारा पपीता अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है। अब इस पपीते को हम पानी से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब एक छलनी की मदद से अपना सारा पपीता पानी से हमें बाहर निकाल लेंगे। उसके लिए लेंगे एक बाउल, जिसमें हम एक छलनी की मदद से अपना सारा पपीता पानी से बाहर निकाल लेंगे। इसमें पानी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, पानी को एकदम अच्छी तरह से छलनी से निकालते हुए पानी को अच्छी तरह से इसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हमने सारा पपीता बाहर निकाल लिया है। अब बनाएंगे अपनी चाशनी। चाशनी के लिए लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डाल देंगे हम अपनी चीनी, जितनी हमने चीनी ली है उससे हम आधा पानी डालेंगे इसमें। इसको अब हम मिक्स करते हुए चीनी को अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए अपने चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। यहाँ पर हम बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, अगर बीच में छोड़ देंगे तो हमारी चीनी नीचे जम जाएगी और इसको हमने छोड़ना नहीं है। तो इसको हमने लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लेना है। और हमारी चीनी देखो यहाँ पर मेल्ट भी हो गई और अच्छी तरह से इसमें बॉयल भी आ गया। अब डाल देंगे हमने जो पपीता बॉयल किया था, अब इसमें हम वो पपीता डाल देंगे। चाशनी में हमारा पपीता पकेगा नहीं, चाहे इसको हम 1 घंटे तक बॉयल कर लो, चाशनी में पपीता बिल्कुल भी नहीं पकेगा। तो इसको हमें इसमें अच्छी तरह से मीठा ऑब्जर्व करने के लिए चाशनी में पपीते में, तो इसको हम 10 से 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम ढक के रख देंगे। यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गई हैं, तो एक बार हम अपने पपीतों को देखते हैं। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया बॉयल आ रहा है, हमारे पपीते का भी हल्का कलर भी चेंज हुआ है। तो हमने इसी तरह से अपना पपीता एक बार चलाते हुए इसको हम देख लेंगे। अब डाल देंगे इसमें हम थोड़ा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर का टेस्ट और खुशबू इसकी
अच्छी आती है, तो इसको एक बार हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब हम फ्लेम को भी कम कर देंगे। यहाँ पे हमारी पपीते में चीनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो गई। और एक बार और फिर से उसको बॉईल लेके आएंगे। और अब कर देंगे हम अपने को गैस को बंद। अब इसको हम छलनी से अपने सारे पपीते को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। इस चाशनी को फेंकना नहीं, चाशनी से आप गुलाब जामुन, रसगुलाब, जो भी जिसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चाशनी हमारी ख़राब नहीं है। अब मैं इसको कटोरी में निकाल लूँगी। यहाँ पर हमने सारा अपना कटोरी में यहाँ पर अपना छलनी से की मदद से अपना सारा पपीता बाहर निकाल लेना। यहाँ पर मैंने देखो सारा पपीता इसी तरह से अपनी कटोरियों में निकाल लिया। मैंने यहाँ पर 5 कटोरियों में निकाला है। देखो मैंने यहाँ पर इसको 5 कटोरियों में इस तरह से अपना सारा पपीता निकाल के तैयार कर लिया। अब देंगे इसमें हम अपना मनपसंद कलर, आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो कलर दे सकते हैं। तो ज़्यादातर तो टूटी फ्रूटी कलर रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज ही होती है, तो लेकिन मैं यहाँ पर 5 कलर में दूंगी। एक चॉकलेटी कलर और भी एक्स्ट्रा करूँगी मैं। तो इसमें डाल देंगे अब हम अपना कलर, जिस में डालें एक बाउल लेंगे, इसमें डाल देंगे हम 2 घूंट पानी। और उसमें डाल देंगे सबसे पहले हम अपना ऑरेंज कलर डालेंगे। कलर हमने कहते एकदम चुटकी भर कलर लेना। अब डाल देंगे इसमें हम अपने पपीता, और पपीते को इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखो कितना बढ़िया कलर आ रहा है। इसको मिक्स करते हुए हम इसको अपने को कटोरी में हम निकाल लेंगे। अब इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। देखो कितना बढ़िया कलर आया है इसको। अब ऐसे ही हम दूसरा कलर देंगे। उसके लिए हम एक बार अपने से जो बाउल में हमने कलर दिया है इसको हम एक बार साफ़ करके इसमें फिर से देंगे। हम जब भी कलर अपना देंगे अलग अलग, तो उसमें हर बार अपने अपने बाउल को धो के यूज़ कर लेना है। अब देंगे हम अपना ग्रीन कलर। ग्रीन कलर भी हम चुटकी भर कलर यूज़ करेंगे 2 घूंट पानी में। उसमें डाल देंगे अपना पपीता। हम ऐसे ही अपने सारे कलर यूज़ करेंगे। देखो कितना आसानी से और कितना जल्दी से बन के हमारा टूटी फ्रूटी तैयार हो रहा है। तो एकदम आसान है ना, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट है बनाने का। और आसानी से हमारे सारे सामान घर पर इजली से मिल जाता है। अब देंगे हम येलो कलर। इसमें येलो कलर भी हम ऐसे इसे मिक्स करते हुए इसको हम तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने सारे कलर अपने तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने सारे टूटी फ्रूटी अपने तैयार कर लिए। देखो मैंने यहाँ पर एक चॉकलेटी कलर भी दिया है, रेड कलर। देखो कितना अच्छा लग रहा है रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर। यहाँ पर मैंने 5 कलर दिए हैं। और आपके पास आप जो भी पसंद कलर हो आप वो दे सकते हैं। और इसको हम 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे कटोरी में। और बाद में हम इसको एक दिन के लिए धूप लगाएंगे। और धूप लगाने के बाद हमारी टूटी फूटी अच्छी तरह से सूख के इसको हम 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने धूप लगा के सुखा के तैयार की हुई टूटी फ्रूटी है यहाँ पर मेरी। देखो कितनी बढ़िया हमारी टूटी फ्रूटी बनके तैयार हुई कितनी आसानी से। अगर मेरी वीडियो से पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।